सर जी, तो बहुत सारी समस्या है, डामल प्लांट को लेकर बहुत अधिक समस्या है। इसकी जो धूल उड़ती है, डस्ट खाने में जाती है, आँखों में भरती है, आँखों में जलन होती है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों के, बहुत ज़्यादा समस्या है। कभी शिकायत वगैरह? जी, शिकायत दो चार बार करी तो वे ग्राम पंचायत से भी अपनो अर्चा खर्चा दे दा के, और एक दो दिन बंद रहा तो फिर चालू हो जाता। जी, कभी विधायक के पास गए हैं, कभी विधानसभा अध्यक्ष के पास भी? सर कल पहुँचे थे माननीय संजय शर्मा जी, विधायक तेंदुखेड़ा, उन्हें भी ज्ञापन सौंपो, वे भी बोल ले कहीं ठीक है। और अपने विधायक जी जे प्रजापति, एनपी प्रजापति जी, उनको भी सुनाई सर। अब कुछ हाल में, फिर हाल में जिया सोते हैं, सो चल रहा हूँ। क्या नाम है? निशा नौरी। निशा किस गांव में रहती है? बहर पे। क्या दिक्कतें हैं? आंखों में जलन होती, क्या 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 मामला है? पढ़ते हैं तो आंख में धूल घुस जाती है, तो उससे जलन, वो जलन सी होती है, थोड़ी देर तक जलती रहती है, फिर दवाइयां करवानी पड़ती थी उसकी वजह से, फिर डॉक्टर ड्रॉपर आप देते हैं तो थोड़ी ठीक हो जाती है। क्यों होती है ये? क्या मालूम सर, वो क्या है जो प्लांट की, अब जब से जो धूल उड़ रही ना उसकी वजह से। कितनी दिक्कतें हैं? दिक्कत तो बहुत सी हैं, घर पर भी धूल जम जाती है, कपड़ों पे कपड़े भी गंदे होते हैं, खाने में भी धूल पहुंचती है, थोड़ी खांसी भी, और इसके कारण से तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और ये दादी माँ की भी तबीयत ख़राब हो जाती है धूल उड़ने के कारण। अब वो लोग तो परमानेंट यहाँ पर रहते हैं, हम लोग तो ऐसे स्कूल भी चले जाते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सर, लिंगा पंचायत के बाद बहर गांव है, वहाँ पर वहाँ के बासिंदे नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं, उनके भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वह जो डामल का प्लांट है उसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आ रही, पूरे घरों में डामल जल रही, बच्चे आँखों में जलन हो रही है, बहुत सी तकलीफें सामने आ रही हैं। ये शिकायत मेरे नॉलेज में आई है, मैंने SDM को मौके पर जाकर जाँच करने के निर्देश दिए हैं, जैसी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। बीमार सर हम खुद ही हैं, हमारा इलाज नागपुर चल रहा है, हमारी ज़मीन दो जगह है, घाट पे पर ये चले जाते हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, यहाँ पे आते यहाँ भी हमारी खेती है, तो यहाँ पे आए जो डस्ट धूल के कारण हमें फिर परेशानी हो जाती, नींद नहीं आती सर। सर, लिंगा की बहर गांव पंचायत में एक गिट्टी क्रेशर और डामल प्लांट चल रहा है, क्या उसकी परमिशन वगैरह ली गई है? हाँ, गिट्टी क्रेशर तो उधर में कोई लगे नहीं हैं, डामल प्लांट की मैं देख लूँगा, परमिशन कई लोगों को है, कई नहीं भी है, जिनकी नहीं है उनके केस बना रहे हैं हम, लगातार कार्रवाई हो रही है, उसका नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर 8 सालों से चल रहा है, गिट्टी क्रेशर भी लगा हुआ है, वहाँ के बासिंदे हैं वो? क्रेशर पहले लगे थे चूँकि वहाँ पट्टे थे, फिर सरकार ने पट्टे निरस्त कर दिए थे, जब से क्रेशर तो बंद हैं, लेकिन यदि प्लांट चल रहा है तो हम उसको दिखवा के कार्रवाई करवा देंगे। कैसा रेडी अभी चल रहा है तो वो अवैध माना जाएगा? हाँ, यदि ये परमिशन नहीं है तो अवैध है। सर, जैसे यहाँ पर डामल निर्माण होता हो और उसका जो डामल की जो चिमनी से निकलने वाला जो राख का धुआं रहता है, यदि वो लोगों के सीधे संपर्क में आए तो कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान होता है, किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं उसमें?
देखिए डामर जिसको कहते हैं हम, कोल्टार कहते हैं या बिटुमिन कहते हैं, बिटुमिन का जो धुआं है ये जो निकलेगा, ये मूलतः इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। अनेक प्रकार के इसमें गैसेस निर्मित होते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बहुत न्यूनतम है, परंतु फिर भी जो उसमें जो गैस निकलती है वो गैस आदमी श्वास के माध्यम से फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जाने से इसकी एलर्जी की बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग दमा वाले व्यक्ति हैं या जिनको COPD की बीमारी है, उस बीमारी का एकदम से रूप बढ़ सकता है। पेशेंट को बहुत जम के खांसी आना, कफ होना, आँखों में जलन होना, ये इसकी तकलीफ बढ़ सकती है। और अगर लंबे समय तक ये कोल्टार का धुआँ, बिटुमिन का धुआँ अगर जाएगा, तो जिस तरह से हम सिगरेट के धुएं के नुकसान को मानते हैं फेफड़ों पे होने वाले, ये उतना ही खतरनाक ये भी आगे हो सकता है। अगर ये बहुत लंबे अरसे तक किसी व्यक्ति के शरीर में श्वास के माध्यम से प्रवेश करता गया तो, परंतु तत्काल के रूप में केमिकल गैस होने की वजह से, केमिकल होने की वजह से ये फेफड़ों में एलर्जी की बीमारियाँ, कफ की बीमारियाँ, निमोनिया की बीमारियाँ, ब्रोंकाइटिस की बीमारियाँ ये पैदा करेगा।